मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पार्टी और समर्थक विधायकों का मन टटोलना शुरू कर दिया। विधानसभा में जयपुर के विधायकों से अजय माकन ने 1-to-1 फीडबैक लिया। जयपुर जिले के सभी कांग्रेस और निर्दलीय विधायक माकन से बात करने पहुंचे। माकन से मिलकर लौटे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आज का संवाद अच्छे माहौल में किया गया है, सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया गया, कांग्रेस और राजस्थान को कैसे मजबूत किया जा सकता है इस पर भी मंथन हुआ। साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव में कैसे पार्टी राजस्थान में दोबारा सरकार बनाए इस पर भी अजय माकन ने साथ में फीडबैक दिया। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, देखिए आज का जो पूरा दिन था, प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने 1-to-1 विधायकों से संभाग किया, जयपुर संभाग के सभी विधायकों से संभाग किया और कल भी यही कार्यक्रम रहने वाला है रायशुमारी का विधायकों के साथ में। क्या मुख्य बातें आज के दिन की रही, कौन कौन पहुंचा वहां पर बताएं। बिल्कुल, देखिए रायशुमारी का दौर लगातार जारी है। सुबह 11 बजे से ही अजय माकन 1-to-1 विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री के कक्ष में बैठकर अजय माकन विधायकों से संवाद कर रहे हैं, 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, उनसे पूरा फीडबैक यहां पर जुटाया जा रहा है। सबसे पहले जयपुर जिले के विधायकों से चर्चा की, उसके बाद झुंझुनू और उसके बाद सीकर जिले के विधायकों से उन्होंने मुलाकात की और फिलहाल अलवर जिले के विधायकों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। और देखिए मुख्य बात यह है कि ये पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसके जरिए विधायकों से एक संवाद और फीडबैक लिया जा रहा है। जो भी विधायक फीडबैक और संवाद कार्यक्रम के बाद बाहर निकला है, मीडिया से रूबरू हुआ है, तो उन्होंने यही कहा कि पहली बार जिस तरह का ये तरीका आलाकमान की ओर से अपनाया गया है, जिस तरह से विधायकों से फीडबैक लिया जा रहा है, एक अपने आप में अनूठा है। विधायक अपनी बात आलाकमान के सामने रख रहे हैं, अजय माकन के सामने रख रहे हैं, और चूंकि पूरी कवायद मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के साथ राजनीतिक नियुक्तियों की हो, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के हो, संगठन विस्तार को लेकर पूरी प्रक्रिया है वो कवायद इसी के लिए हो रही है, तो इसको लेकर सभी तरह के सवाल अजय माकन की ओर से विधायक से पूछे जा रहे हैं। 5 से 7 मिनट का समय एक विधायक को दिया जा रहा है जिसमें वो अपनी बात भी रख रहे हैं और साथ ही जो अजय माकन की ओर से सवाल किए जा रहे हैं उनका जवाब भी दे रहे हैं। 2023 में किस तरह से पार्टी वापस सत्ता में आए, इसके लिए क्या बेहतर सुझाव हो सकते हैं, वो विधायकों से पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही जो विधायक अपनी तरफ से जो बातें कहना चाहते हैं संगठन की मजबूती के लिए, वो सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार के कामकाज पर भी विधायक अपनी राय रख रहे हैं कि सरकार के 2.5 साल का जो कामकाज है वो किस तरह का रहा, उनके क्षेत्र में किस तरह के कामकाज हुए, सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में क्या राय है, चाहे चिरंजीवी योजना हो या और दूसरी योजनाएं हो, तमाम तरह की बातें, सरकार के लिए किस तरह से कामकाज है, जनता की क्या राय है, तो इसको लेकर उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। और जो देखिए जब प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री हैं वो फीडबैक के बाद बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि एक अच्छे माहौल में ये पूरा आज संवाद का कार्यक्रम हुआ और एक अनूठा तरीका है जब आलाकमान के सामने सभी विधायकों को मौका मिल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी और अब एक प्लेटफॉर्म प्रभारी की ओर से दिया गया है, आलाकमान ने एक मैसेज दिया है कि सभी विधायकों की बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर सुनी जाए, तो एक मौका दिया जा रहा है सभी को और सभी अपनी बात रख रहे हैं, किस तरह से किस मंत्री से किसकी क्या नाखुशी है, कितनी नाराजगी है और कितने काम उनके हुए हैं, मंत्रियों की परफॉर्मेंस के तरीका नापने का भी ये तरीका है और इसके आधार पर एक प्रभारी अजय माकन एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये रिपोर्ट उनका आधार भी बनेगी कि मंत्रिमंडल फेरबदल में किस मंत्री को ड्रॉप करना है, किसको प्रमोट करना है, किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, तो तमाम पूरी रिपोर्ट आलाकमान को अजय माकन इस फीडबैक कार्यक्रम के जरिए देंगे। तो आज 3 संभागों का ये फीडबैक का कार्यक्रम है, जयपुर संभाग का फिलहाल चल रहा है, जयपुर जिले के बाद सीकर और झुंझुनू का फीडबैक हो चुका है, अलवर जिले का फिलहाल चल रहा है और इसके बाद भरतपुर कोटा संभाग के भी फीडबैक और संवाद कार्यक्रम होंगे और इसके माध्यम से विधायकों से 1-to-1 जो करीब 7 सवाल हैं, इन 7 सवालों में अजय माकन इनसे चर्चा कर रहे हैं कि आपका जिलाध्यक्ष संबंधित जो जिले का विधायक है उससे जिलाध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है कि जिलाध्यक्ष कौन हो, ब्लॉक अध्यक्ष कौन हो, किसको वो बनाना चाहते हैं, राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कोई एक महत्वपूर्ण नाम उनके विधानसभा क्षेत्र से, इसके साथ ही मंत्रियों का जो कामकाज है उसको लेकर पूछा जा रहा है कि मंत्रियों के कामकाज से कितना खुश है, सरकार के कामकाज से कितना खुश है और संगठन की मजबूती के लिए किस तरह से बेहतर फैसले हो सकते हैं, और इसके साथ ही
जो संगठन के लिए है, बेहतर ढंग से संगठन की मजबूती कैसे हो सकती है, 2023 में सरकार रिपीट कैसे हो सकती है, उसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, तो तमाम बातों पर सुझाव लिए जा रहे हैं। और बगल में उनके, अजय माकन के बगल में उनका एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा है, वो पूरी चीजें, पूरी बातें जो विधायक की ओर से कही जा रही हैं उन्हें नोट कर रहे हैं और एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी 2 दिन के इस फीडबैक कार्यक्रम के जरिए। और एक रिपोर्ट के आधार, यही रिपोर्ट आधार बनेगी फेरबदल का, कि किन मंत्रियों को ड्रॉप करना है और किन को प्रमोट करना है। इस रिपोर्ट के आधार, ये रिपोर्ट आलाकमान को अजय माकन की ओर से सौंपी जाएगी और इसके बाद ही प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होगा। बिल्कुल दिनेश, कहीं ना कहीं आलाकमान की ओर से जो एक एक्सपेरिमेंटल मेथड इस बार अपनाया गया है कि जब जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी पहुंचे हैं और सभी के साथ 1-to-1 रायशुमारी कर रहे हैं, यकीनन एक स्फूर्ति जो है पूरी पार्टी में, यहाँ पर नाराजगी के बीच में छोटी छोटी जो बातें भी है उसमें मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए दिनेश। तो पहुंचे हैं अजय माकन और फिलहाल भी विधानसभा कक्ष में, मुख्यमंत्री के कक्ष में सभी विधायकों के साथ संभागवार रायशुमारी कर रहे हैं और पार्टी के कार्यों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बहरहाल